कई एक बच्चों का रहता है कि सीयूटी पीजी एलएलबी देना है, एमएसएड देना है, एंड लॉ एज अ करियर जो है वो आपने चूज किया, लेकिन सीयूटी पीजी चूज क्यों किया, वो एक रीजन क्या था? अच्छा, मतलब जो आपका एग्जाम के लिए केवल 2 मंथ्स बचे हुए थे तब आपने इसको डिसाइड किया? मैंने स्टडी करी इसके बारे में, क्या क्या सिलेबस है, क्या होता है, फिर मैंने यूट्यूब पर लिखा, सारे सब स्टूडेंट्स यूट्यूब पर जाते हैं, तो मैं वहाँ गया, फिर मैंने सर्च करा सिलेबस, तो सबसे पहले अड्डा ही आता है, आपको बताइए अड्डा का डोमिनेंस है यूट्यूब पे फ्लैट में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल, उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप सभी को जैसे पता है कि हाल ही में जो 2024 का सीयूटी पीजी एलएलबी का एग्जाम हुआ था उसकी फर्स्ट लिस्ट जो है वो रिलीज की गई है, और जिसमें टॉप कॉलेज में जब हम बात करते हैं तो हमारे साथ में जो गेस्ट बैठे हुए हैं सायम जी, इनका उस लिस्ट में नाम है और उस लिस्ट में इनको सीएलसी मिला है। आप सभी को पता है जब हम डीयू की बात करते हैं तो सीएलसी टॉप चॉइस में सबसे पहले नंबर पे रहता है और बाकी के मामलों में भी पहले नंबर पे आता है। तो सायम जी, कैसा लग रहा है आपको जब आपका ये आपने देखा था रिजल्ट और आपका लिस्ट में नाम आया, तो आपको कैसा फील हुआ था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक रोहित सर एंड द होल अड्डा टीम फॉर हैविंग मी हेयर। सो सर, अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो सर काफ़ी अच्छा लगा था मुझे जब पहले मैंने चेक करा, ठीक है, तो काफ़ी प्राउड फील हुआ मेरे पेरेंट्स को भी कि फर्स्ट कट ऑफ में हो गया और फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गई एक्चुअली। ओके, तो जैसे मतलब कई एक बच्चों का रहता है कि सीयूटी पीजी एलएलबी देना है, एमएसएड देना है, एंड लॉ एज अ करियर जो है वो आपने चूज किया, लेकिन सीयूटी पीजी चूज क्यों किया, वो एक रीज़न क्या था? सर एक्चुअली क्योंकि 3 ईयर एलएलबी में आप देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ में डीयू एलएलबी डीयू काफ़ी ऊपर आता है इसकी प्रेफरेंस में, और एक्चुअली मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ तो मुझे ऐसे सिटी दूसरी सिटी में जाना भी नहीं पड़ेगा, तो काफ़ी कन्वीनियंट होगा, और बड़े बड़े लॉयर्स भी यहीं से निकले, अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डी वाई चंद्रचूड़ जी, वो भी यहीं से निकले हैं, तो यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं डीयू को चूज़ करूँ। एक तो ये मोटिवेशन आपने डी वाई चंद्रचूड़ जी से ली, और एक ये है कि आपने लॉ एज अ करियर जो चूज़ किया वो आपके मन में कब आया और आपने ये चूज क्यों किया, क्या रीजन था, क्या वजह रही, और आपने किसको देखा? एक तो आपने जैसे बताया कि एक मोटिवेशन वहां से मिला, तो ऐसा कोई आपका माइंड में था कि हाँ ये पर्सनालिटी है, इनकी तरह ही बनना है और मुझे लॉ में जाना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये जो लॉ की स्टोरी मेरी लॉ चूज़ करने की, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो मैंने डिसीजन बनाया ये मैंने जनवरी में बनाया जब एग्ज़ाम को बस 2 महीने थे। अच्छा, मतलब जो आपका एग्ज़ाम के लिए केवल 2 मंथ्स बचे हुए थे तब आपने इसको डिसाइड किया? जी, एक्चुअली मेरे जो डैड है वो साकेत कोर्ट में ही है, तो एक बार वो दिसंबर का लास्ट वीक था तब मेरे डीयू के 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो वो मेरे पास आए बात करने के लिए कि आपको लॉ कैसा लगता है एज अ प्रोफेशन, तो मैंने कहा अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा है, देखता हूँ तो काफ़ी मोटिवेशन फील होती है, और काफ़ी हाई पेइंग जॉब भी अगर आप बिल्कुल एक्सेलेंस पे जाओगे तो। तो फिर डैड ने कहा कि अगर आपको एग्ज़ाम देना है, इसका डी ओ एल एल बी का एग्ज़ाम होता है, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा पापा एक दिन बाद बताता हूँ, अभी थोड़ा सोचने दो, अचानक से आप ऐसे बोल रहे हो क्योंकि 2 महीने रह रहे हो और आपको पता है सिलेबस वास्ट है, अगर आपने पहले से पढ़ाना हो, लोग 6 महीने 1 साल से भी तैयारी कर रहे होते हैं फिर भी लोगों का नहीं हो पाता है। तो फिर अगले दिन मैंने सोचा, मैंने कहा एक ट्राई देते हैं, ट्राई देने में क्या जा रहा है, फिर मैंने स्टडी करी इसके बारे में कि क्या क्या सिलेबस है, क्या होता है, फिर मैंने यूट्यूब पे लिखा, जैसे सब स्टूडेंट्स यूट्यूब पे जाते हैं, तो मैं वहाँ गया, फिर मैंने सर्च करा सिलेबस, तो सबसे पहले अड्डा ही आता है, आपको पता ही है अड्डा का डोमिनेंस है यूट्यूब पे फ्लैट में, तो फिर आया, फिर उस टाइम पे मैंने रीजनिंग के लेक्चर्स देखे थे, हाँ जी, तो मैंने 1-2 लिए वहाँ पे, तो मुझे सही लगा, अच्छा लगा पढ़ के, फिर उसके बाद मैं क्वांट्स में गया, जब लेक्चर्स लेने बैठा मैं, तो मैंने 1 गो में 6-7 लेक्चर्स देख लिए, तो मुझे लगा कि मतलब इनकी टीचिंग मेरे को काफ़ी अच्छे से समझ आ रही है, मतलब मैं एक टीचर को जब मैं 3 से 4 घंटे एक ही ग्रुप फ्लो में देख सकता हूँ, तो मतलब इनसे कुछ कनेक्शन बन पा रहा है मेरा ऐसे ही। तो फिर मैं पेड बैच की तरफ गया, क्योंकि मेरे को पूरी आखिरी के 2 महीने रह रहे थे, अब मैं इधर उधर से टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था अपना, तो लास्ट के 2 महीने रह रहे थे, तो मुझे पूरा सिस्टमैटिक और प्लान चाहिए था कि मुझे अच्छे से पढ़ाया जाए, चाहे कि मैं सही से पढ़ाई कर पाऊँ, क्योंकि टाइम सर वेस्ट करने को था नहीं उस टाइम पे। तो फिर मैंने अड्डा के पेड बैच पे इनरोल किया, जो प्रतिज्ञा बैच था वो January 8th से स्टार्ट हुआ था। ओके, तो जैसे अभी आपने बताया, मैं बात करूँ तो आपने एज अ रोल मॉडल जो है वो अपने फादर को लिया और अपने उन्होंने बोला और इसी वजह से आपने लॉ एज अ करियर चूज़ किया, तो आगे का क्या प्लान है, मतलब आगे आपका? अभी तो आपने, चलिए आपका अभी सीएलसी में एडमिशन ले लेंगे, फिर उसके बाद में अपना वहाँ से एलएलबी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में आपका क्या प्लान है आगे का? सर एक्चुअली भी मेरा ऐसे कोई फिक्स प्लान नहीं है कि मैं लॉ को एज अ करियर चूज़ करूँ, मैं सोच रहा हूँ सर या फिर लॉ या फिर यूपीएससी है मेरा टारगेट, तो इन दोनों में से मैं अभी थोड़ा डिसीजन मैं 3rd ईयर में लेना चाहूँगा।
वो आप थर्ड ईयर में लेना चाहेंगे। अभी आपने मतलब आपने 2 महीने प्रिपरेशन करी, आपके कहने का मतलब है, और आपने अड्डा की YT क्लासेस देखी और अड्डा की जो पेड क्लासेस थी, पेड बैच था प्रतिज्ञा, वो आपने ज्वाइन किया और वहाँ से आपने अपने अपनी प्रिपरेशन करी है। अच्छा, एक सवाल जनरली रहता है, और जब बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसको हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, और हर सब बच्चों की, सभी स्टूडेंट्स की कमांड उतनी नहीं होती है हर एक सब्जेक्ट में बराबर, तो आपके लिए टफ सब्जेक्ट कौन सा था और आपके लिए ईजी कौन सा था, और आपने किसकी क्लासेस को देख के अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कराया? सर एक्चुअली एज इन टफ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा वैसे, क्योंकि मतलब काफ़ी इजी था, क्योंकि मैथ्स सर मेरी हमेशा से अच्छी ही रही है। okay. मैं PCM, मैंने प्लस टू अपनी PCM से करी है, ठीक है, तो वहाँ पे मैथ्स मेरा काफ़ी हमेशा से बेस स्ट्रॉन्ग रहा है मेरा, तो मुझे क्वांट्स और क्वांट्स में हमेशा से मदद मिली है ऐसे, और टीचर्स तो अड्डा के आपको पता ही है, बिल्कुल बेस्ट फैकल्टी है ही। और बाकी सर मेरे को क्रिटिकल रीजनिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी मेरे को स्टार्टिंग में, मतलब मैं सब सारे क्वेश्चन कर लेता था, मार्क्स में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, 220, 230, 245 भी आ रहे हैं, पर क्रिटिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, और 15-20 दिन रह रहे थे, तो काफ़ी मेरे को वो टफ लगती थी, मतलब वो क्वेश्चंस हो ही नहीं पाते थे। MK पांडे रेफर करी थी, उसमें काफ़ी डेप्थ में दे रखा है क्रिटिकल रीजनिंग को, तो वहाँ से पढ़ी ये सारी चीज़ें। हाँ जी, तो मतलब आपने इंग्लिश के लिए किससे पढ़ी, GK किसने आपको पढ़ाया, क्वांट किसने पढ़ाया, और आपको आपका उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, सर स्टार्ट से करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी बात करना चाहूँगा, सर आपने GK, GS और करंट अफेयर्स मुझे रोहित सर ने पढ़ाई है, मुझे अभी भी याद है, फर्स्ट क्लास थी सर की, 8th of February को थी शायद सर, ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा रहे थे, तो वो क्लास थी 8 बजे, मुझे याद है, मैं वैसे जिम कभी स्किप करता नहीं हूँ, पर मैंने उस दिन जिम स्किप करके सर की 2 घंटे, पहली क्लास हमने 2 घंटे की ली थी मुझे याद है, तो वो 2 घंटे क्लास देखी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी वो सर, मतलब इंटरेक्ट भी काफ़ी अच्छे से कर रहे थे, लग नहीं रहा था कि मतलब पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हो किसी से, काफ़ी फीलिंग आ रही थी थोड़ी, मतलब ऑनलाइन वाला फील आ रहा था आपको कि यहाँ सामने ही बैठे हुए हैं, और वैसे अब इंटरेक्ट भी काफ़ी अच्छे से कर रहे थे, और आपके पढ़ाने का तरीका तो काफ़ी अच्छा है ही सर, वो अच्छा लगा मुझे आपके लिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आपकी मैराथन्स भी सर मैंने YouTube पे देखी है, वो जो 2-2, 3-3 घंटे की मैराथन्स होती थी, वो भी काफ़ी देखी है मैंने, रेफर करी है नोबल प्राइज़ वगैरह की सब, और उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया मुझे एग्ज़ाम में। और सर इंग्लिश मुझे आशीष गर्ग सर ने पढ़ाया है, उनको भी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कहना चाहूँगा, उनसे मेरी कल भी व्हाट्सएप पे 2-3 दिन पहले व्हाट्सएप पे बात हुई थी, मैंने उनको बताया कि सर आई गॉट एडमिशन इन CLC, तो ही वाज वेरी प्राउड, तो उनसे भी थोड़ी बहुत बात हुई, वो काफ़ी स्वीट है सर। हाँ। और उनके पढ़ाने का तरीका भी काफ़ी यूनिक है, वो बीच बीच में ऐसे कुछ ह्यूमर का एलिमेंट लाते रहते, तो ऐसे इंटरेस्ट बना रहता है, और काफ़ी यूनिक वे है उनका टीचिंग का, मतलब अच्छा लगता है उनसे पढ़ के। ठीक है, और रीजनिंग और क्वांट के लिए उनको कहना चाहूँगा कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर टीचिंग मी, आपने मुझे मतलब मेरे लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट्स में काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग करवा दिया मुझे, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे पढ़ के सर, और मतलब सर जो भी बोलते थे उसको मैं एक बाइबल की तरह फॉलो करता था, कि सर ने बोला है कि सर एक प्रैक्टिस शीट देते थे एंड में, तो सर ने कहा था इसको 3-4 बार आपको बनाना ही है, तो सर मैंने वो रिलीजियसली फॉलो किया, मैं उनकी सारी शीट प्रैक्टिस शीट 3-4 बार बनाता था, क्वांट्स की भी और रीजनिंग की भी, और उसने मुझे काफ़ी हेल्प करा, मतलब सर मेरे क्वांट्स और रीजनिंग में सवाल मुश्किल से कभी गलत हो जाते थे, एक दो बार कभी हुए ही नहीं, उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग करवा दी मेरी। तो एक तो आपका ये बैच के बारे में आपने मुझे बताया, और आपने अपना सारी चीज़ें बताई, तो ऐसा 2 महीने में आपने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करी थी कि आपको दिक्कत नहीं हुई, या फिर मैं ये कहूँ कि केवल आपने क्रैश कोर्स वाला जो हमारा था बैच वो आपने ज्वाइन किया और उसी से आपने सारी चीज़ें कवर कर ली, और आपने विद इन 2 मंथ्स आपने ये CLC में फर्स्ट टेस्ट में एडमिशन ले लिया। ओके सर, तो अगर मेरी स्ट्रैटेजी की बात करी जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मेरी स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करो, क्योंकि सबकी कैचिंग पावर डिफरेंट होती है, तो अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो सर मैं 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट करता था सुबह के, और रात के 8 बजे तक पढ़ता था, पर रेगुलर नहीं पढ़ता था, आपको रेगुलर पढ़ना भी नहीं चाहिए, जैसे बोलते हैं कि 3 टाइम का खाना एक बारी में नहीं खाना चाहिए, डाइजेस्ट नहीं होगा, धीरे धीरे करके पढ़ाई करनी चाहिए, तो सर मैं 1 घंटा पढ़ता था, 1-1.5 घंटा पढ़ता था, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेता था, ऐसे मेरा चलता रहता था, और आफ्टरनून में 2 बजे के टाइम मैं एक पावर नैप ले लेता था 1/2 घंटे के, जिससे थोड़ा मैं रिफ्रेश हो जाऊँ, तो ऐसे ही मैं ब्रेक्स में पढ़ता था, 1-1 घंटे के 1.5-2 घंटे के सेशंस में पढ़ता था मैं रात तक, इससे काफ़ी टाइम तक आप
पढ़ पाओगे, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है। आपको धीरे 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 करके एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं आप ऐसे सोचेंगे कि मैं दो दिन में क्वांट्स कर लूँगा, रीजनिंग कर लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। आप आराम से डेढ़ दो महीने का प्लान बनाइए, सिस्टमाइज प्लान बनाइए कि आप आज क्या पढ़ेंगे, परसों क्या पढ़ेंगे, और एक हफ्ते में आपको कहाँ तक सिलेबस हो जाएगा। तो ऐसे आप चलते रहेंगे तो काफ़ी अच्छे से आप टैकल कर पाएंगे इतने वास्ट सिलेबस को। ये तो आपने अपने बारे में बताया, आपने अपनी स्ट्रेंथ बताई, हर एक बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ होती है। हाँ जी। तो कोई एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनके टॉपिक्स क्लियर नहीं होते हैं, हाँ, या बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। हाँ जी। तो उनको आप क्या बोलेंगे कि आपको कब से स्टार्ट, जैसे आपने तो अपना 2 मंथ्स का बताया, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू यू कि उनको अपना कितना टाइम देना चाहिए, या फिर वो पहले सिलेबस को देखें उसके बाद में प्रिपरेशन करें, तो वो सारी चीज़ें एक बार आप बताएंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा, मेरी तरह आप लास्ट में जनवरी में याद आया आपको कि एग्ज़ाम देना। चलो मेरा तो थोड़ा केस डिफरेंट था, मेरे डैड ने बोला था, मैंने अपने डैड के लिए करा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एटलीस्ट 5 to 6 months पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपके पास अब धीरे धीरे करके टैकल कर पाएंगे, और इतना आपको स्ट्रेस भी फील नहीं होगा, क्योंकि दो महीने में आपको, मुझे पता है कि मैंने कितना स्ट्रेस झेला है, मुझे 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाई करी है मैंने हर दिन। तो फिर मैं आपको, और ये आपको ज़्यादा पता नहीं चला होगा क्योंकि पापा ने बोला हुआ था, और पापा ने बोला है तो करने का, है ना, वैसे वाला सीन था। क्योंकि सर वैसे भी मेरे डैड का भी ऐसी कोई चीज़ मांगते नहीं है मेरे से, मतलब मैं जो मांगता हूँ वो एक मुझे बस बोलने की देरी होती है और वो आ जाती है। तो मैंने कहा मेरे डैड ने एक चीज़ बोली है, अगर मैं ये भी नहीं कर पा रहा तो फिर क्या बात है। तो आप जो भी बता रहे थे कि बच्चों को 5-6 महीने से पहले से स्टार्ट करना चाहिए, और बाकी प्रिपरेशन जो है, अगर जैसे CLC आपको जब मिला तो एक ये होता है कि चलो अब जैसे कई एक बच्चों का CLC 1 में भी लिस्ट में नाम आया है, तो वो CLC 2 उन्होंने चूज प्रेफर किया, तो आपने CLC ही क्यों किया, उसका एक रीज़न है कुछ आपके, मतलब आप देना चाहेंगे? हाँ सर, इसका एक रीज़न है, सबसे पहली बात कि सबसे पहले LC 1 और LC 2 हुआ नहीं करता था। सबसे पुरानी बिल्डिंग जो है लॉ की, वो फैकल्टी ऑफ लॉ की, वो CLC है, तो इसका एल्यूमिनाय नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सबसे पहली बात। और बड़े बड़े जो हमारे जस्टिसेज है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है, ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, ये भी यहीं से पास आउट है, तो एक मोटिवेशन यहाँ से मिली मुझे। और मोस्टली मैं जितनी भी फैकल्टी से मेरी बात हुई, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं फैकल्टी ऑफ लॉ में, उन्होंने यही बोला कि CLC का थोड़ा अपर हैंड रहता है, मतलब LC1 और LC2 के कंपैरिजन में। हालांकि कोई भी ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे का है, पर एक वो ऐसा पहले से चला आ रहा है ये। हाँ जी, तो CLC को मैंने इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस चूज़ किया। तो मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि जो जितने भी बच्चे अगर प्रेफरेंस रखते हैं, हाँ, तो वो CLC के लिए रखें, ज़्यादा बेटर है। सर हाँ, रखी अकॉर्डिंग टू यू, जैसे आपने अपने लिए रखा हुआ है, हाँ, कि जैसे मैं बात करूँ अपने ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी, हाँ, आपने जी, उनको एज अ रोल मॉडल लिया, और रोल मॉडल लेने के बाद में उन्होंने वहाँ से किया है तो अब मुझे भी करना है, ऐसा है। और भी कई एक अपने जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने लॉ में करियर, लॉ एज अ करियर चूज़ करने के बाद में उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में किया, अपने उनके बारे में भी रीड किया और उसके बाद में आपने वो डिसीजन लिया। हाँ जी सर, मैंने इसके बारे में पहले पूरी रिसर्च करी, मैं ऐसी डिसीजन पे नहीं आ गया, मैंने देखा कि कौन सा बेटर है, तो सब CLC को ही बोल रहे थे। और एक्चुअली आप देखेंगे सर, CLC और LC1 और LC2 की कट ऑफ में 25 नंबर का डिफरेंस रहता है। तो सर अब डिफरेंस, नंबर का डिफरेंस तो आपको पता ही है सर, थोड़े बेटर कॉलेजेस में तो रहता है ये डिफरेंस। जैसा कि आप सभी ने देखा पूरे वीडियो में कि कैसे सायम जी की जर्नी रही, कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, और कैसे विद इन 2 मंथ्स लास्ट मोमेंट पे जब इन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो अड्डा पे इन्होंने एक 2 महीने का जो क्रैश कोर्स होता है प्रतिज्ञा बैच, उसको ज्वाइन किया। मतलब एक बच्चों का रहता है कि हाँ CUT की प्रिपरेशन करनी है तो पिछले 6-7-8 महीने में करनी है, लेकिन वो जो क्रैश कोर्स 2 महीने का था, वो इनको किस तरीके से हेल्प किया, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की, एंड इनको लास्ट में CLC मिला। तो ये तो 2 महीने में आप ये कह सकते हैं कि प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, और ये इन्होंने करके दिखाया है। और लास्ट में मेरा सायम जी आपसे क्वेश्चन है कि जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये तो आपने अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताया, सारी चीज़ें बताई, और अभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, अड्डा के लिए रेफर करने के लिए आप उनको क्या पॉजिटिव मैसेज, या फिर आप क्या फील करते हैं अड्डा के लिए, फैकल्टीज़ के लिए, वो एक बार आप बताएं।
तो सर जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 के एग्ज़ाम के लिए डी यू एल एल बी के, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले स्लोली स्लोली तैयारी स्टार्ट करें। आपको एक दिन में सारा सिलेबस ख़त्म नहीं करना है, धीरे धीरे करके करिए। अड्डा की वाई टी क्लासेस लीजिए, और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ये मेरी सजेशन है कि आप पेड बैच अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी कम कॉस्ट में, सबसे पहली बात 6 to 7 to 8 thousand में आपको मिल जाएगा, और इसमें आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाया जाएगा और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि डाउट सेशंस भी होते हैं और मॉक टेस्ट भी उसमें अवेलेबल होते हैं, तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी और पूरा आपके पास एक स्टडी प्लान मिल जाता है। आपको आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा किस दिन कौन सी क्लास होगी और आपका कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस कब खत्म हो जाएगा, तो इससे भी आपको पता रहता है कि हाँ मेरा विद इन टाइम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं मॉक टेस्ट लगा सकता हूँ। तो आप पूरे एक सही से आपका टाइम टेबल तैयार हो जाता है जो अड्डा आपके लिए कर देता है। और फैकल्टी के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि सारी फैकल्टी बहुत स्वीट है और काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है, और सारे जितने भी टीचर्स हैं वो हमें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते हैं कि कोई भी कमी ना छूटे, और द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता है अड्डा। दैट्स ऑल। ठीक है, मतलब आपने ओवरऑल अभी अपना पूरा जर्नी शेयर की, लास्ट में बच्चों को मैसेज दिया कि प्रिपरेशन आपको जो करनी है वो अभी से स्टार्ट करनी है, बहुत ज़्यादा उसका वेट नहीं करना है, आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, और सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है और आपको आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम करना है, आपको आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लगना है, आपको कल का वेट नहीं करना है, आज से ही करना है जो भी करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच सायम जी, आप आए और आपने अपनी जर्नी शेयर करी। एक छोटा सा गिफ्ट अड्डा परिवार की तरफ से आपके लिए है, और थैंक यू वेरी मच आपको यहाँ तक आने के लिए और अपनी जर्नी जो है वो शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।